दो लड़के थे ना, अब दो लड़के में एक लड़का तो बड़का हो गया, वो तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गया, अब बड़का लड़का तेवर भी बढ़ के दिखा रहा है, तो छुटके वाले के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। कारण क्या है कि दोनों एक ही मद के मरीज हैं। हिंदी फिल्मों में होता था ना कि पुराना आशिक अगर लौट आए तो लव ट्रायंगल क्रिएट हो जाता था, तो यूपी में वही होने वाला है। उस वोट बैंक का पुराना आशिक एक बार लौट आया है तो आज के आशिक के लिए बहुत बड़ी चुनौती उभर के आने वाली है। तो दिल्ली में तो गठबंधन टूट गया, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, ये दो लड़के थे ना, अब दो लड़के में एक लड़का तो बड़का हो गया, वो तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गया, अच्छा दूसरा वाला वहां रहता तो फिर भी नेता प्रतिपक्ष रहता, वो तो छुटका हो गया, अब बड़का लड़का तेवर भी बढ़ के दिखा रहा है, तो छुटके वाले के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। कारण क्या है कि दोनों एक ही मद के मरीज हैं। इसको कुछ कुछ ऐसे समझिए जैसे हिंदी फिल्मों में होता था ना कि पुराना आशिक अगर लौट आए तो लव ट्रायंगल क्रिएट हो जाता था, तो यूपी में वही होने वाला है। उस वोट बैंक का पुराना आशिक एक बार लौट आया है तो आज के आशिक के लिए बहुत बड़ी चुनौती उभर के आने वाली है और पूरे देश में। मैंने आपसे क्या कहा, जरा गंभीरता समझिए, धुबरी में कांग्रेस सबसे बड़े अंतर से जीती है, हारा कौन है, बदरुद्दीन अजमल, बदरुद्दीन अजमल धुबरी नहीं जीत पाए। जगदीश मुखी जी वहां के राज्यपाल रहे, उन्हें बहुत बेहतर पता होगा, समझिए एआईयूडीएफ पार्टी को प्रकारांतर से यह माना जाता था बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक पार्टी, उसका वोट कांग्रेस ले गई। जो प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पर कहा कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी के रूप में आई है, जहां हमारा उसका सीधा मुकाबला रहा और कहीं नहीं जीत पाई, जहां पर वो दूसरी पार्टियों के दम पे चली तो एआईयूडीएफ का वोट उसे मिला, असम में उनका राइज हुआ, उत्तर प्रदेश में 9 दशमलव कुछ वोट पाके, प्रतिशत वोट पाके 6 सीटें पाई, और आप देखिए किसको किसका वोट ट्रांसफर हुआ, इससे समझिए। अखिलेश यादव जी अपनी सीट पे कन्नौज पे जो उनकी खानदानी सीट मानी जाती थी 1,72,000 से जीते, और राहुल गांधी 3,90,000 से जीते रायबरेली, जबकि उनका ना जिला पंचायत है ना नगर पंचायत है ना विधायक है ना जिला पंचायत के सदस्य है। इसका मतलब एक का वोट ट्रांसफर हुआ, दूसरे का नहीं ट्रांसफर हुआ है, दूसरे का ट्रांसफर करने लायक था नहीं। अब आप आइए कर्नाटक में जेडीएस के वोट की कीमत, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बने महाविकास अघाड़ी के ऊपर 14 सीटें, केरल में जीती मुस्लिम लीग के ऊपर, तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति की कीमत पर। इसलिए हम मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का राइज हमारे लिए चुनौती नहीं है, जो आज उनके साथ खड़े हैं उन्हीं के लिए चुनौती है, और वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सारी क्षेत्रीय दल जिन्होंने कांग्रेस से वो वोट बैंक खींचा था, कहीं ऐसा ना हो कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी से वोट बैंक मुलायम सिंह जी खींच के ले गए थे और लालू प्रसाद यादव जी खींच के ले गए थे, अब राजीव गांधी जी के बेटे जी मुलायम सिंह जी और लालू यादव जी के बेटे जी से वो वोट खींच के ले जाने के चक्कर में न रहे, तो अभी आप देखिएगा इनमें आपस में बहुत जबरदस्त जवाबी कव्वाली होने वाली है। इसलिए हमें उन चीजों में नहीं पड़ना है, हमें लक्ष्य बिल्कुल सामने रखना है।